हेलो एवरीवन, एम आई ऑडिबल? यस सर, अदर्स, मेरी वॉइस आ रही है प्रॉपर? अनिकेत, यस सर, एंजल, यस सर, जतिन, प्रियांशी, तनीषा? यस सर, ओके ओके, तो आप सबने पहली दो रिकॉर्डिंग्स देखी हैं सबने? यस सर, ठीक है। तो आज हम, जहां तक है वैसे तो कोशिश करूंगा मैं कि आज चैप्टर आपका खत्म हो जाएगा। इन केस थोड़ा सा रह जाता है तो अभी हम नेक्स्ट वीक में तो कर ही लेंगे, मतलब मंडे ट्यूसडे में, ठीक है। तो आज वैसे कोशिश करूंगा मैं आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाए। तो पहली दो रिकॉर्डिंग्स में मैं वन बाय वन पूछता हूँ। एंजल, आपको क्या डिफिकल्ट लगा चैप्टर पहली दो रिकॉर्डिंग्स में? नो सर, इजी था। ओके, और अनिकेत, आपको? ओके, व्हाट अबाउट जतिन? सर इजी था, इजी था। मानवी, फर्स्ट टू कल क्लास ली थी आपने, फर्स्ट टू कैसे था चैप्टर? सो फाइन। ओके, आरुष, चैप्टर इजी लग रहा है? यस सर। चलो, तनीषा, आपने देख ली रिकॉर्डिंग बची? यस सर। चलो गुड, ठीक है। तो आज हम स्टार्ट करेंगे क्या, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन कंपाउंड्स। ये लास्ट टाइम 10th के सिलेबस से डिलीट हो गया था, ठीक है। तो आप ये मान के चलो, आप मुझे सिर्फ इतना बताओ पहले कि जो अभी मैंने फर्स्ट टू रिकॉर्डिंग्स भेजी हैं, सिर्फ उतना कार्बन आ रहा था, तो आपको कैसा सुनने में क्या लग रहा है अभी? आरुष, जो मैंने अभी दो रिकॉर्डिंग्स भेजी थी, सिर्फ लास्ट ईयर जो बच्चों का पेपर हुआ है, मतलब जो इस साल पेपर दिया बच्चों ने, सिर्फ उसमें कार्बन उतना ही आ रहा था। सर इजी था। एंजल, तो फिर तो बहुत बेटर था क्योंकि इसमें रिएक्शन है। हाँ ओके, अनिकेत, आपको क्या लग रहा है? सर इजी हो। जतिन, सर इजी था, उसमें तो क्वेश्चंस एकदम बेसिक ही बनते हैं फिर तो। हाँ, और मानवी, आपको क्या लग रहा है? तनीषा, सर वो इजी हो जाता चैप्टर फिर। अच्छा ठीक है। अब ना जो इंटरेस्टिंग पार्ट है चैप्टर का, वो एक्चुअली वैसे यही है, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन कंपाउंड्स। क्योंकि अगर किसी ने मेरी ऑफलाइन अटेंड करी थी आप में से 6:30 till 8:30 वाली क्लास, तो उसमें मैंने आइसोमर्स कराया था, एक हायर लेवल पे कराया था। वो आप सब, जो भी आप में से कल 11 बजे कर रहा होगा, वो तो वो रिपीट ही क्लास है। तो ये जो ऑनलाइन हो रही है, इसकी रिकॉर्डिंग भी हो रही है, तो आप साथ साथ इसको देख के अपना खत्म भी कर सकते हो चैप्टर, जिसके भी प्री बोर्ड जल्दी आ रहे हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद ओके आरुष टुडे। आरुष, क्या लिखा हुआ है टॉपिक? केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन कंपाउंड्स। ठीक है, तो सबसे पहली प्रॉपर्टी दे रखी है कंबशन, ठीक है। तो आरुष, इसको रीड करना फर्स्ट पॉइंट को। कार्बन इन ऑल इट्स एलोट्रोपिक फॉर्म्स बर्न्स एन ऑक्सीजन टू गिव कार्बन डाइऑक्साइड अलोंग विद द, हाँ, इसका सिंपल रिएक्शन बोलना, सबसे बेसिक। O2 हीट, वेरी नाइस, CO2। ठीक है, ठीक है, और आगे अब बोलो इसको, ये क्या लिखा हुआ है? Along with the release of heat and light. Good. Okay, Angel, आपकी turn, second. बहुत easy slides हैं अभी तो. Yes, sir. Most carbon compounds also release a large amount of heat and light on burning. ठीक है, first reaction read करो. C plus O2 gives CO2 plus heat and light. तो मैं ना box बनाऊंगा, आपको बताना है कौन सी family का member है. ये तो जस्ट सी है, तो सही। गुड गुड, अब सेकंड बताओ। CH4 सो मीथेन। और कौन सी फैमिली हो गई? एल्केन्स। ठीक है, तो इसका मतलब आपने क्या नोटिस किया, कार्बन भी जल के क्या दे रहा है, कार्बन जल के क्या दे रहा है अपने आप को बर्न करके? CO2 और साथ में हीट एंड लाइट। लेकिन अगर मीथेन जल रहा है तो वो क्या कर रहा है, साथ में एक और चीज भी प्रोड्यूस कर रहा है, वो वाटर और प्रोड्यूस कर रहा है, वाटर इन द फॉर्म ऑफ स्टीम। ठीक है, नेक्स्ट बोलो, लास्ट रिएक्शन इसका। ये कौन सा ग्रुप है, कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? OH alcohol. गुड, यहां से देख के आपने पता लगा लिया। तो मैं क्या इसको इथेनॉल बोल दूं?
यस सर टू सी और चेक करना इथेनॉल भी जल रहा है तो क्या दे रहा है CO2 वाटर एंड हीट एंड लाइट ठीक है अब यहाँ पे ये वाला ये दोबारा पढ़ना है जो मैं डबल ट्रिपल टिक कर रहा हूँ मोस्ट कार्बन कंपाउंड्स आल्सो रिलीज अ लार्ज अमाउंट ऑफ हीट एंड लाइट आ गया ना समझ में यस सर तो सर फिर बट CO2 भी साथ साथ मतलब हर बार ही रिलीज होगा हाँ 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 ये तो बनेगा ही बनेगा यस जतिन सर जो ऑर्गेनिक इक्वेशन है उनको बैलेंस करना जरूरी नहीं होता जरूरी है बच्चे जरूरी है सर बट इसमें तो नहीं इसमें, हुआ इसमें बैलेंस बिल्कुल नहीं किया हुआ बिल्कुल आपने सही बोला है ये एनसीईआरटी की आप मतलब ऐसे आपको करना ही करना है बैलेंस आप छोड़ दो उस बात को सोचना आप करना ठीक है ओके नेक्स्ट चलो जतिन आपसे रीड करवाता हूँ Saturated hydrocarbons will generally give a clean flame. ठीक है अभी मैं पीपीटी में भी दिखाऊंगा कुछ चीजें ठीक है अभी तो सिर्फ मैं रीडिंग करा रहा हूँ आगे फोर्थ पॉइंट भी आप पढ़ दो Unsaturated carbon compounds will give a yellow flame with lots of black smoke. This results in a sooty deposit on the metal plate. ठीक है तो जैसे आप किचन में देखते हो कुकिंग यूटेंसिल्स होते हैं ना कुकिंग वेसल्स होते हैं कुकिंग यूटेंसिल्स तो जैसे ही आपने यहाँ पे गैस पे उसको जलाया ठीक है किसी भी कुकिंग यूटेंसिल को जलाया ठीक है तो अगर आप यूटेंसिल इस पे रखते हो जो यहाँ पे नीचे बंसन बर्नर टाइप होता है गैस तो वो कैसी फ्लेम हो जाती है उसकी येल्लो और अगर आप ये कुकिंग यूटेंसिल हटा लो तो गैस स्टोव की कैसी होती है बर्निंग ब्लूइश कलर होता है ब्लू कलर की होती है तो उसी को उन्होंने क्या नाम दिया हुआ है क्लीन फ्लेम अब एक बार मैं ये पीपीटी में दिखा देता हूं ठीक है तभी समझ आएगा ओके तो एक बार मैं चेक करके बता रहा सबको पीपीटी दिख रही है ठीक है तो मैं आपको दिखा रहा हूं जस्ट गिव मी अ सेकेंड ओके तो अनिकेत आप इसको रीड करना जो अभी पीपीटी में दिख रहा है आपको ठीक है उसको रीड करना कंप्लीट कंबशन फ्यूल प्लस ऑक्सीजन गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर ओके प्लस हीट एंड लाइट ठीक है और ये कंप्लीट कंबशन में क्या वर्ड लिखा क्या निकल रहा है कार्बन डाइऑक्साइड और अगर कंप्लीट कंबशन होगी तो येलो नहीं होगी कौन सा कलर होगा फ्लेम का ब्लू अब देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है इनकम्प्लीट कंबशन ठीक है तो फ्यूल प्लस ऑक्सीजन क्या देगी इनकम्प्लीट में पूरा CO2 नहीं बनेगा पूरा CO2 नहीं बनेगा तो उसकी कैसी कलर की फ्लेम आएगी येलो ठीक है ठीक है ओके अब ध्यान से देखना मैं दोबारा उस पे आता हूं स्लाइड पे ओके अब ओके नाउ किसकी बारी थी अनिकेत की होगी ना ओके शिवांग नहीं सॉरी तनीषा ये रीड करना यहां से ठीक है अब यहाँ पे आपको ब्लैक कलर का कुछ दिख रहा है सबको ठीक है तो तनीषा ये भी रीड करो ये जो मैंने एक कर्ली ब्रैकेट से बनाया कार्बन मोनोऑक्साइड इज अ टॉक्सिक गैस इट इज अब्सॉर्ब्ड इन द लंग्स एंड बाइंड्स विद द हीमोग्लोबिन इन द रेड ब्लड सेल्स
This reduces the capacity of the blood to carry oxygen. Carbon monoxide causes drowsiness and affected people may fall unconscious. ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ठीक है, इस बात को समझेंगे. सॉरी, मैंने दूसरी स्लाइड खोल दी थी, वापस इस पे आते हैं. तो अगर आप ना, आपने कभी किसी ने गैस जलाई है, मतलब गैस स्टोव को कभी तो जलाई होगी आप सबने, गैस लाइट करी होगी ग्लास, कैसी फ्लेम निकलती है? ब्लू ब्लू कलर की फ्लेम निकलती है. यानी जो पीछे से सिलेंडर, या तो सिलेंडर यूज करा जाता है आजकल या सीएनजी, तो पीछे से जो फ्यूल आ रहा है, फ्यूल मतलब समझ रहे हो, जिससे हम अपना खाना बना पा रहे हैं, उसको पूरी ऑक्सीजन मिल रही है पूरी, क्योंकि ये जो यहाँ पे होल्स होते हैं ना, होल्स जो गैस स्टोव में होल्स होते हैं, ये क्या ट्रैप करके रखते हैं, ऑक्सीजन ट्रैप करके रखते हैं. और इनकी जो पाइपलाइन होती है उसके, इसके अंदर से क्या आ रही होती है, मिथेन. तो कुकिंग रिएक्शन देखो कैसा होता है, जो अभी एंजल ने रीड किया था, CH4+O2, तो इसमें क्या बनती हुई दिख रही है आप सबको, CO2. तो इसका कलर कैसा होगा इस वाली लाइट का, ये हीट एंड लाइट का, ब्लू. ब्लू कलर को कई बार क्लीन फ्लेम भी कहा जाता है, ठीक है. तो हम इसको रीड करते हैं आगे. ओके, वापस चलो शिवांग से रीड करते हैं. शिवांग इसको रीड करना. लिमिटिंग द सप्लाई ऑफ एयर रिजल्ट्स इन इनकम्प्लीट कम्बशन. ओके ओके, सो लिमिटिंग द सप्लाई ऑफ एयर रिजल्ट्स इन इनकम्प्लीट कम्बशन. तो जैसे आपने गैस स्टोव के ऊपर कुकिंग यूटेंसिल रख दिया, तो क्या हुआ होगा, जैसे आपने कुकिंग यूटेंसिल रख दिया तो क्या हुआ होगा, क्या हो गए होंगे, एयर होल्स ब्लॉक हो गए होंगे. अगर एयर होल्स ब्लॉक हो गए होंगे तो कैसी सप्लाई हो गई ऑक्सीजन की, लिमिटेड. तो किस तरह की फ्लेम जलने लग गई, येलो. ओके गुड, आगे रीड करना आरुष. इनकम्प्लीट कंबशन ऑफ इवन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स गिविंग अ सूटी फ्लेम. ओके, सूटी फ्लेम मतलब कैसी, ब्लैक स्मोक, ठीक है. आगे भी रीड करते रहो. अभी द गैस स्लैश केरोसिन स्टोव यूज्ड एट होम हैज इनलेट्स फॉर एयर सो दैट अ sufficiently oxygen rich mixture is burned to give a clean blue flame. Okay, to kya hote hain, inlets hoti hain, theek hai. Abhi ek last point aur hai Arush. The bottoms of cooking vessels getting blackened, it means that the air holes are blocked and fuel is getting wasted. Wasted matlab anyone, wasted matlab yahan pe, yes Manvi. Ha, एक ही करके सुनता हूं मैं. मानवी, यस यस मानवी, बच्चे आपकी वॉइस नहीं आ रही. चलो एंजल आप बोल रहे थे कुछ. सो बिकॉज इनकम्प्लीट कम्बशन हो रहा है तो वो वेस्ट हो रहा है फ्यूल. हाँ बिल्कुल सही, गुड, बिल्कुल सही बताया, ठीक है. आगे एंजल आप रीड करो. फ्यूल सच एज कोल एंड पेट्रोलियम हैव सम अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन एंड सल्फर इन देम. यस, कोल और पेट्रोलियम के अंदर क्या क्या होता है, नाइट्रोजन और सल्फर, तो उसकी वजह से क्या होता है, आगे पढ़ना एंजल. देयर कंबशन रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर एंड नाइट्रोजन व्हिच आर मेजर पोल्यूटेंट्स इन द एनवायरनमेंट. तो यानी हमारी आजकल पॉल्यूशन के बारे में तो बात होती रहती है, तो यानी पॉल्यूटेंट इन द एनवायरनमेंट क्या चल रहे हैं अभी, SO2 एंड NO2. तो फ्यूल वेस्टेड का ये भी हो सकता है कि कार्बन मोनोऑक्साइड बन रही है. बिल्कुल 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 सही बताया, मैं यहाँ लिख देता हूँ, कार्बन मोनोऑक्साइड बन रही है. यस ओके, उसके बाद अनिकेत यहाँ से पढ़ना क्या लिखा हुआ है. सर एलपीजी प्रोपेन होती है ना. हाँ 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 बिल्कुल, वो थर्ड मेंबर है उसका, एल्केन फैमिली का. सर और सीएनजी मिथेन होती है. मिथेन होती है.
ओके अनिकेत यहाँ से रीड करना ऑक्सीडेशन. कार्बन कंपाउंड्स कैन बी इजीली ऑक्सीडाइज्ड ऑन कंबशन. अब देखो क्या लिखा हुआ है, कंबशन और उसके बाद सेकंड केमिकल रिएक्शन क्या है, ऑक्सीडेशन. अब ऑक्सीडेशन और कंबशन में फर्क क्या है, कोई बता सकता है आप में से? ओके एंजल बोलो. सो कंबशन मतलब फ्लेम्स के साथ जलना, ऑक्सीडेशन मतलब जस्ट ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट, बिल्कुल लेयर आ जाना बस. गुड ठीक है, इसमें फ्लेम्स प्रोड्यूस होती हैं, इसमें नहीं होती. हाँ मानवी बोलो. मानवी वॉइस नहीं आ रही मेरे बच्चे, कोई बात नहीं, चलो एक बार रिजॉइन कर लो या तो. ठीक है ओके. तो जतिन इसका मतलब यहाँ पे क्या लिखा हुआ दिख रहा है आपको इसमें? Sir, CH3CH2OH in the presence of alkaline KMnO4 plus heat or acidified K2Cr2O2 plus heat gives acetic acid. आप सभी ये कॉपी में रिएक्शन जरूर लिख लो बच्चे, क्योंकि आप अगर आप स्क्रीन पे देखोगे तो समझ कुछ नहीं आएगा, लिख के ही समझ में आएगा. तो कॉपी में लिख लो ये सब कि अल्कोहल से अगर एसिड बनाना है. ठीक है मानवी अब बोल के देखो, आपकी वॉइस आ रही है मुझे कि नहीं मैं देखूं. मानवी स्पीकर टेस्ट कराओ बच्चे, कोई प्रॉब्लम हो रही है. चलो कोई बात नहीं. ओके तो आप सब ये लिख लो कि अल्कोहल से अगर आपको एसिड बनाना है, देखो अल्कोहल फैमिली को किसमें कन्वर्ट करना है, एसिड फैमिली में, तो आपको क्या क्या जरूरत पड़ेगी? एक तो जरूरत पड़ेगी एल्केलाइन KMnO4. किसी को याद है ये KMnO4 आपने कब पढ़ा था 9th class में, याद है किसी को? 9th class में कौन से चैप्टर में था ये एल्केलाइन KMnO4? याद करने की कोशिश करो. नहीं आ रहा? अच्छा आपको मैं एक इमेज दिखाता हूं, उससे भी याद नहीं आया तो मुझे बताना. ठीक है मैटर चैप्टर याद है सबको? यस सर. उसमें एक एक्टिविटी थी या नहीं याद आ रही किसी को भी? सर ये पोटेशियम मैग्नेट हुआ ना. यस वेरी नाइस, बिल्कुल याद करो. उसके ऊपर 2020 में ना जिस ईयर कोविड आया था उसमें से क्वेश्चन दे दिया था इन्होंने, तो आपको अगर ये याद आ रहा है, बस मुझे इतना देखना है कि आपको याद आ रहा है कि नहीं. अभी ये डॉक्यूमेंट ओपन हो रहा है तो आप सब ध्यान से देखना. और जिसको नहीं याद आया ना मुझे बताना, वैसे तो जहां तक याद आ ही जाएगा. उस एक्टिविटी में क्या करते थे? देखो यहाँ पे क्या था, मतलब डिफरेंट बीकर्स में याद आ गया. ये वाला देखो एक्टिविटी याद आई, ये वाली. ओके एक बार ये रीड कर दो जतिन जो यहाँ पे लिखा हुआ है 9th class का. This experiment shows that just a few crystals of potassium permanganate can color a large volume of water about 100 liters. So we conclude that there must be millions of tiny particles in just one crystal of potassium permanganate which keeps on dividing themselves into smaller and alkaline KMnO4 aur heat karne se kya hota hai ki alcohol kisme convert ho jata hai? एल्कोहल किसमें कन्वर्ट हो जाता है? एसिड में. तो क्या कोई मुझे एल्कोहल फैमिली का फॉर्मूला बता सकता है? CnH2n+1OH. गुड ठीक है. अगर मैं यहाँ पे किसी तरह से एक O ऐड कर दूं, ठीक है, और ये वाला जो C है इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दूं कि एक सी तो यहीं पर ही रहे जहां पे मैं डार्क कर रहा हूं और एक सी यहां पे आ जाए जहां पे मैं येलो से मार्क कर रहा हूं,
और ये वाला ओ यहां आ जाए, ठीक है? तो ध्यान से देखना मैंने ये कैसे मतलब बता रहा हूं मैं आपको। तो जैसे मैं तनीषा से पूछता हूं, तनीषा इसको रीड करना जो मैं टिक कर रहा हूं। अल्कोहल टर्न्स इनटू CH3। नहीं नहीं नहीं, जो मैं टिक कर रहा हूं, जो मैं टिक कर रहा हूं उसको रीड करने, जो ये जो CH3 लिखा हुआ है, CH3। ओके सर। CH2OH गुड इनटू CH3COOH व्हेन रिएक्टेड विद अल्केलाइन KMnO4 प्लस हीट। ठीक है, तो तनीषा इसमें C काउंट करो, C को काउंट करो कितने हैं जो मैं डार्क कर रहा हूं। सर इसमें 2। हाँ, और राइट साइड में एरो के बाद 2। ओके, नाउ काउंट द नंबर ऑफ एच, काउंट द नंबर ऑफ एच। सर लेफ्ट साइड 6 है एंड राइट साइड 4। वेरी नाइस, वेरी नाइस। और अब ओ काउंट करो, राइट साइड में 1 ओ है एंड देन राइट साइड में, राइट साइड में, राइट साइड में 2 है। हाँ, और लेफ्ट में 1। तो ये एल्कलाइन KMnO4 कर क्या रहा है वो देखते हैं। सो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स क्या होते हैं, एनीवन, व्हाट आर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स व्हिच गिव आउट ऑक्सीजन। ओके, और एंजल आप क्या बोल रहे थे? मतलब 2H जो वो एक ऑक्सीजन दे रहे हैं। हाँ, तो कहने का मतलब ये है कि जो एल्कलाइन KMnO4 है वो एक तरह का ऑक्सीडाइजिंग एजेंट काम करता है, जो क्या करेगा, H2 निकाल लेगा और O ऐड करवा देगा। ठीक है, तो उसके लिए हमें थोड़ी सी रीडिंग करनी पड़ेगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये नोट रीड करते हैं। तो शिवांगी नोट रीड करना। एल्कलाइन पोटेशियम पर, हाँ बोलो बोलो, एल्कलाइन पोटेशियम पर मैग्नेट, पर मैग्नेट और एसिडिफाइड पोटेशियम बी डाइक्रोमेट आर ऑक्सीडाइजिंग एल्कोहल्स टू एसिड्स दैट इज एडिंग ऑक्सीजन टू द स्टार्टिंग मटेरियल, हेंस दे आर नोन एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो जो रियलिटी में रिएक्शन है ना वो कुछ ऐसा है, एल्कोहल में क्या ऐड करवा दो, ऑक्सीजन, और क्या निकल जाएगी हाइड्रोजन, क्योंकि ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन गैस एंड एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। तो जो भी एल्कोहल होगा उसमें क्या ऐड हो जाएगा, ऑक्सीजन, लेकिन साथ में क्या निकल जाएगी, हाइड्रोजन, तो वो कार्बोजाइलिक एसिड बन जाएगा। लेट्स सी हाउ दिस हैपेंस। ओके, और एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट या एल्कलाइन पोटेशियम परमैग्नेट, ये लैब में बड़ी इजीली अवेलेबल होते हैं, तो बहुत जल्दी से आपको समझ भी आ जाएगा, तो बहुत ध्यान से देखना। अब एल्कोहल में कितने ओ होते हैं, एल्कोहल में 1, और हमें एसिड बनाने के लिए कितने ओ चाहिए, 2, है ना? तो बैलेंसिंग को बिल्कुल छोड़ देते हैं। एक सिंपल सी बात है, यहां पे आप आज से क्या लिखोगे जो मैं डार्क कर रहा हूं, नेसेंट ऑक्सीजन। एंजेलिस को रीड करो, मैंने क्या लिखा, नेसेंट ऑक्सीजन। नेसेंट ऑक्सीजन का मतलब होता है जो ऑक्सीजन O2 के साथ बॉन्डेड ना हो। ठीक है, अब ये कैसे पता चलता है, तो O3 कैसे बनती है, किसी को पता है O3 कैसे बनती है? O3 कैसे बनती है, एनीवन? ओजोन, O2 प्लस नेसेंट ऑक्सीजन। वेरी नाइस, O2 के ऊपर लाइटनिंग आती है, O2 किस में टूट जाती है, O+O में, O+O यूवी रेस के थ्रू, और फिर O2 जिसके ऊपर यूवी रेस नहीं आई है वो कंबाइन करके क्या बना लेता है, O3। तो ये चीज लैब में भी ना अचीवेबल है, तो इस O को हम क्या बोलेंगे आज से, नेसेंट ऑक्सीजन। इतना आएगा नहीं लेवल, बट वैसे एक सिर्फ नॉलेज के लिए बता रहा हूं। ठीक है, तो हमने क्या किया, यहां पे
मैं एक बार किससे पूछूं, चलो जतिन से। जतिन यहाँ पे सी टोटल कितने थे अल्कोहल में ऊपर? हाँ अल्कोहल में कितने? ओके एच कितने थे सर? 5 नहीं 6। ओके और ओ कितने थे सर? 1। ओके अब मुझे इसमें क्या ऐड करना है सर? ऑक्सीजन एक। और क्या रिमूव करना है सर? हाइड्रोजन। और ये किसकी प्रेजेंस में हो रहा है सर? पोटेशियम परमैंगनेट या फिर एसिडिफाइड K2Cr2, दोनों ही ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो जो मैंने ब्राउन से रिएक्शन लिखा है, अगर आप उसकी राइट साइड कोई लिख सकता है, जो मैंने ब्राउन से रिएक्शन लिखा हुआ है उसकी राइट साइड, जिसपे मैं क्वेश्चन मार्क लगा रहा हूँ, बहुत सिंपल है। वेरी नाइस, C2H4O2। अब जो C2H4O2 है उसको रीअरेंज करो, इसको रीअरेंज करो तो कैसा लग रहा है ये? क्या ये ऐसा लग रहा है CH3COH जैसा? चेक करो कितने सी हैं, कितने सी हैं? 2। और H कितने हैं? 4। और O कितने हैं? 2। तो हमने अल्कोहल को किसमें कन्वर्ट करवा दिया? एसिड। एसिड। तो आरुष ये रीड करना, ये क्या लिखा हुआ है? In which alcohols are converted to carboxylic acids is known as complete oxidation. हाँ, very nice. और जो substances ऐसा करने में capable है उनको क्या बोला जाता है? Oxidizing agents. Okay, और उसमें हमें सिर्फ दो ही पढ़ने हैं 10th क्लास में, कौन कौन से? Alkaline KMnO4 या फिर acidified K2Cr2O7. ओके नाउ ओके अब आपकी बारी है अनिकेत, आप रीड करो ये वाला एडिशन रिएक्शन। यस मानवी, सर मेरी वॉइस आ रही है? अब आ रही है बेटा, अब आ रही है, बोलो सर। जैसे कि इसके अंदर ऑक्सीडेशन के अंदर जो हमने रिएक्शन पढ़ा, इसके अंदर हमने ऊपर लिखा है उनको, जैसे एल्कलाइन पोटेशियम परमैंगनेट। सर क्योंकि ये हाँ लिख सकते हैं बच्चे, क्योंकि ये कैटलिस्ट की फॉर्म में चल रहे हैं, मतलब इनका रिएक्शन में कोई रोल सिर्फ इतना ही है कि वो उसमें से उसको ऑक्सीजन प्रोवाइड कर रहे हैं और H2 इनटेक कर रहे हैं बस। ओके सर। ओके चलो मानवी आप रीड करो एडिशन रिएक्शन, मैं फिर किसी और से कुछ और रीड कराता हूँ। यस जतिन आप कुछ पूछ रहे थे? नहीं सर। अच्छा चलो मानवी से रीड करवा देता हूँ, उसका माइक ठीक हो गया। यस अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स ऐड हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट सच एज पैलेडियम और निकेल टू गिव सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। ओके आगे रीड करते रहो अभी। Substances that cause a reaction to occur or proceed at a different rate without the reaction itself being effective. मतलब कैटलिस्ट की डेफिनेशन क्या है, एक बार दोबारा रीड कर दो। कैटलिस्ट आर द सब्सटेंसेस दैट कॉज अ रिएक्शन टू अकर और प्रोसीड एट अ डिफरेंट रेट विदाउट द रिएक्शन इटसेल्फ बीइंग इफेक्टेड। ओके चलो अब थर्ड से मैं रीड करता हूँ। रिएक्शन इज कॉमनली यूज, जो ऊपर वाला रिएक्शन इट इज कॉमनली यूज इन हाइड्रोजिनेशन ऑफ वेजिटेबल ऑयल्स। ठीक है तो पहले एक काम करते हैं, थोड़ा पीपीटी से देख लेते हैं कि कैसे समझ आएगा। ठीक है फर्स्ट पॉइंट नहीं समझ आया जो अभी करवाता हूँ बच्चे, अभी करवाता हूँ, एक मिनट बस अभी करवाता हूँ। मैं एक बार थोड़ा सा पहले वो दिखा दूं, जस्ट गिव मी सेकेंड। ओके ऑक्सीडेशन पहले देख लो फिर इस पे आते हैं। आप सबको स्लाइड दिख रही है? आई डोंट नो प्ले क्यों नहीं हो रही है, एक बार मुझे बताना आप सबको क्या दिख रहा है।
सिर्फ डेफिनेशन लिखी थी। जस्ट अ सेकंड, ये स्लाइड टू क्या हो गया? जस्ट अ सेकंड एवरीवन, बच्चे आप बताना मुझे, ठीक है? अगर अभी भी नहीं दिख रही होगी तो फिर मैं दोबारा स्टार्ट करता हूं मीटिंग। अब दिख रही है? यस सर। ठीक है, तो एडिशन रिएक्शन करने से पहले एक बार ये पूरी पीपीटी देख लो, जो ये वाली स्लाइड है, इसमें कन्वर्जन ऑफ एल्कोहल्स टू एसिड्स है। जस्ट गो थ्रू दिस वंस, और जो नहीं समझ में आ रहा वो मुझे बताना, ठीक है? मैं वेट कर रहा हूं 2 मिनट्स। जब ये फॉर्म हो रहे होते हैं तब कैटलिस्ट का क्या होता है? जब ये एसिटिक एसिड फॉर्म हो जाएगा तो कैटलिस्ट में क्या रिएक्शन होगा? ओके, एनीवन पहले जो ये समझा सकता हो, ये जिसको समझ में आ गया हो पूरा। कौन बताएगा? लेट्स सी सर, मैंगनीज की क्या वैलेंसी होती है? वैसे तो +4 होती है, 6B हो जाती है कभी कभी, बट अभी आप उसको मत सोचो। सिंपल ये देखो, आप ये दिख रहा है आपको पोटेशियम परमैंगनेट का स्ट्रक्चर? यस सर, इसमें मतलब 3 ऑक्सीजन जो है, सनिसेंट ऑक्सीजन, वो मैंगनीज के साथ दो दो इलेक्ट्रॉन्स अभी शेयर कर रहे हैं। हाँ, गुड, वेरी नाइस, बोलते रहो। अभी एक जो नेसेंट ऑक्सीजन है सर, वो पोटेशियम के साथ कंबाइंड है, तो सर वो ONK हो रहा है, दो बॉन्ड खाली हो जाएंगे। yes, sir. और वो कौन ले लेगा आके? H2। आई होप सबको समझ आ गया हो। आई होप सबको समझ है, जल्दी बताओ सर। ऑक्सीजन नहीं जाएगा जो एक है। क्या कह रहे हो, कौन सा? सर जो नेसेंट ऑक्सीजन है H2, तो उसकी जगह ही आएगा। हाँ, कोई भी एक नेसेंट ऑक्सीजन मान लो अभी के लिए, वो तो समझाने के लिए मैंने बस स्लाइड बनाई हुई है। पक्का समझ आ गया या नहीं आया सर? हाँ बच्चे बोलो।
सर तो पोटेशियम पर मैग्नेट में एक आयनिक कंपाउंड और कोवलेंट बॉन्ड दोनों बन रहे होंगे। यस, इसलिए ये वाला टॉपिक 11th में बहुत लेवल पे जाता है कि कोवलेंट और आयनिक एक साथ पढ़ने को मिलेगा आपको, थोड़ा बहुत 10th में भी है, अभी आगे दिखाऊंगा। आई होप सबको समझ में आ गया, या अभी और एक बार और पूछना है किसी ने कुछ? यस एंजल सर, ये जो पोटेशियम मैग्नेट का स्ट्रक्चर है सर, इसमें के अलग से पूरे स्ट्रक्चर के साथ या फिर के और ओ? नहीं, जुड़ा हुआ है, जुड़ा हुआ है। वो एक इलेक्ट्रॉन अपना ऑक्सीजन को दे रखा है उसने, इसने एक इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन को दे रखा है ना सर, मतलब ये ट्रांसफर में, बाकी सब शेयरिंग। हाँ गुड, अब आपको समझ में आ रहा है एक्चुअली। और आज आप ऑफलाइन आए थे, आपने मैग्नीज का वो निकाला था, याद आ रहा है कुछ? मैग्नीज का रेजिस्टेंस। चलो ठीक है सर। अच्छा अब हाँ बच्चे, सर तो हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में ब्लीचिंग पाउडर को क्यों नहीं यूज करते हैं? हाँ वेरी नाइस क्वेश्चन, एनीवन जो इसका आंसर दे सकता हूं? CaOCl2 क्या करता है? ऑक्सीजन लूज कर, ऑक्सीडेशन में हेल्प करता है वो, ऑक्सीडेशन में हेल्प करता है। ठीक है, अब क्या है जब CaCl2 वाला रिएक्शन क्या होता है, ये याद है सबको? ये रिएक्शन होता है, ये बनता है। यस सर। ठीक है, लेकिन ये आयनिक कंपाउंड है। यस सर। लेकिन यहां पे ये क्या है तो OH यहां पे भी, लेकिन ये कोवेलेंट बॉन्ड है। तो ब्लीचिंग पाउडर मतलब बहुत ज्यादा लेवल का हो गया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इसके लिए। ओके सर। तब ब्लीचिंग पाउडर के पार्ट नेसेंट ऑक्सीजन होता है? नेसेंट ऑक्सीजन CaOCl2 है ना वो सर? हाँ तो नेसेंट ऑक्सीजन, तो उसने हाँ उसने उसमें उसमें पता है क्या हो सकता है, CaOCl2 है जैसे, तो इसमें ये हो सकता है कि कैल्शियम ऑक्सीजन जो है वो क्लोरीन के साथ और कैल्शियम अपने दो इलेक्ट्रॉन्स दे चुका होगा, कैल्शियम अपने दो इलेक्ट्रॉन्स दे चुका होगा। Yes, और Cl2 इनके साथ बॉन्डेड है, Cl2 इसके साथ वीकली बॉन्डेड है, क्योंकि Cl2 खुद भी पूरा है, वीकली बॉन्डेड है इनके साथ, समझ रहे हो? Yes, चलो अच्छा अब ना हम एक काम करेंगे, सबसे पहले हम ये सीखेंगे क्योंकि आई गेस वो रह गया ना, एक बार सब पहले रीजॉइन कर लो।